बागली नगरीय निकाय चुनाव के चलते 6 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना रविवार के दिन की गई। बागली अनुविभाग के अंतर्गत नगर परिषदों में शांतिपूर्वक मतगणना पूर्ण हुई, जिसमें परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे हैं। रविवार की सुबह नगर परिषद बागली के पार्षद पद के उम्मीदवार की मतगणना उत्कृष्ट विद्यालय बागली में की गई, जिसमें भाजपा के 10, कांग्रेस के 2, निर्दलीय के 3 पार्षद विजय हुए। नगर परिषद कर्नावत की मतगणना में भाजपा 9, कांग्रेस 5 एवं निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार विजयी हुए हैं। मतगणना में आए परिणाम के अनुसार वर्तमान में दोनों परिषद भाजपा की झोली में जाती दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि यहां पर पूर्व में भाजपा की परिषद रही है। परिणाम के दौरान नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस चुनाव मतगणना से पहले दावा कर रहे थे कि इस बार जनता उनके साथ है और उनकी परिषद बनेगी, लेकिन इक्का दुक्का पार्षद ही जीत पाए। मतगणना के पश्चात परिणाम आते ही सभी विजय प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया, तो वहीं नगर परिषद बागली के विजय पार्षदों को SDM शोभाराम सोलंकी की उपस्थिति में विजय प्रमाण पत्र वितरण किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।